आपको सर्दी लग रही है और आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं और सीढ़ियां भी नहीं उतरना चाहते, लेकिन आपको धूप भी इंजॉय करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे? यकीनन आप अपने फ्लैट का पिछला दरवाजा खोलेंगे और धूप में बैठ जाएंगे। लेकिन जिस जगह आप बैठेंगे उस जगह को हम क्या नाम देंगे? सिंपल, बालकनी। लेकिन हम लोग इस लफ्ज को बालकोनी पढ़ते हैं, जबकि ये बालकोनी नहीं है। इट इज प्रोनाउंस्ड एज बालकनी, BALCONY, बालकनी। मोबाइल फोन तो आप सब लोग ही इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन बास की रिंगटोन हमारे कानों को बहुत भली लगती है। दिल चाहता है कि हम इसको सुनते ही जाएं, तो ऐसी ट्यून को हम क्या कहेंगे? तो इस ट्यून को हम कहेंगे मेलोडी ट्यून। लेकिन हम पाकिस्तानी इस लफ्ज को अक्सर औकात बहुत गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, जैसा कि मेलोडी। इस्लामाबाद में पारा मार्केट के साथ एक फूड पार्क भी है जिसको हम मेलोडी फूड पार्क कहते हैं, जबकि ये मेलोडी फूड पार्क है। तो इस लफ्ज की सही प्रोनाउंसिएशन मेलोडी है, मेलोडी नहीं, MELODY, मेलोडी। एक ऐसी बिल्डिंग या ओपन स्पेस जहां आप बैठकर लाइव ड्रामेटिक परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को आप बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं, उस जगह को हम कहेंगे THEATRE। लेकिन हम इस जगह को अक्सर औकात प्रोनाउंस कर देते हैं थिएटर। ये थिएटर नहीं है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज थिएटर, THEATRE, थिएटर। एक लफ्ज़ है फ्रीडम यानी आज़ादी, और इसी लफ्ज का एक और सिनोनिम है LIBERTY। लेकिन हम लोग अक्सर औकात इस लफ्ज़ को बहुत गलत प्रोनाउंस कर देते हैं। लाहौर की एक मार्केट का नाम इस लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ है, और वो कौन सी मार्केट है? बिल्कुल सही समझे आप, लेकिन ये लिबर्टी नहीं, लिबर्टी मार्केट है, LIBERTY, लिबर्टी। और इस लफ्ज़ की सही प्रोनाउंसिएशन लिबर्टी है। जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो अंग्रेजी में एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, बंडल ऑफ थैंक्स। लेकिन ये लफ्ज बंडल को हम अक्सर औकात बंडल पढ़ते हैं, जो कि गलत है, BUNDLE। यहाँ पर समझने की चीज ये है कि ड और लाम स्पेस नहीं है, ये दोनों जोड़कर और इकट्ठा प्रोनाउंस होते हैं, बंडल नॉट बंडल, BUNDLE, बंडल।